अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक बार कहा था कि अमेरिकी सड़कें इसलिए अच्छी नहीं हैं क्योंकि अमेरिका समृद्ध है, बल्कि अमेरिका समृद्ध है क्योंकि अमेरिकी सड़कें अच्छी हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी इससे काफी प्रभावित हैं और इसीलिए भारत के समृद्धि के रास्ते को मजबूत करने में जुट गए हैं। इसी के तहत रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़क अवसंरचना के लिए देश में काफी योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्योंकि देश में पर्यटन विकास, विदेशी निवेश के प्रवाह या फिर क्षेत्रीय विकास पर सीधा असर पड़ता है। ऐसे में ही सड़क परिवहन के क्षेत्र में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। क्या है बदलाव और किन पर शुरू हो गया है काम, आइए जानते हैं। नेशनल हाईवे व एक्सप्रेसवे पर टोल नीति में जल्द बदलाव किया जाएगा। आगामी 2 साल में जीपीएस सिस्टम से टोल की व्यवस्था शुरू की जाएगी। इसमें एक सॉफ्टवेयर तैयार कर सैटेलाइट व जीपीएस से कनेक्ट किया जाएगा। इसके बाद जो भी वाहन हाईवे पर जितने भी किलोमीटर चलेगा उसे उतना ही टोल देना होगा। देश में बहुत जल्द गाड़ियों में हॉर्न और सायरन की आवाज हिंदुस्तानी वाद्य यंत्रों की आवाज जैसे तबला, हारमोनियम, बांसुरी और बिगुल जैसी आवाज सुनाई देगी। दरअसल केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नए हॉर्न पैटर्न पर काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि इससे 2 फायदे होंगे, पहला ध्वनि प्रदूषण कम करेगा और दूसरा वन्य जीवन के संरक्षण में भी काम आएगा। अक्सर सामान्य सायरन की आवाज वन्य जीव के साथ ही आम लोगों के लिए भी परेशानी करने वाले होते हैं। देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए देश के 19 स्थानों पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधाएं विकसित की जाएंगी। हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर में नेशनल हाईवे पर आपात लैंडिंग का उद्घाटन भी किया गया। भारत में दुनिया के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का काम शुरू हो चुका है। इसकी लंबाई करीब 1380 किलोमीटर है। दिल्ली मुंबई के बीच 150 किलोमीटर की दूरी घटेगी। वर्तमान में दिल्ली से मुंबई पहुंचने में सड़क से करीब 25 घंटे लगते हैं। इस परियोजना को मार्च 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। एक्सप्रेसवे देश के 5 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दिशा में जनता की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है। भारत में इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और कारों के लिए सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन बाजार बन रहा है। इसी के मद्देनजर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि उनका मंत्रालय दिल्ली से जयपुर तक इलेक्ट्रिक हाईवे का निर्माण के लिए एक विदेशी कंपनी से बातचीत कर रहा है। पिछले कुछ सालों से सड़कों के आसपास वृक्षारोपण, उनके प्रत्यारोपण, सौंदर्यीकरण और रखरखाव पर भी जोर दिया जा रहा है। इसी के तहत केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारतमाला परियोजना के तहत 5 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और 17 एक्सप्रेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड नेशनल हाईवे बना रहा है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक कुल परियोजना लागत का 1% वृक्षारोपण निधि के रूप में रखने का निर्णय लिया गया है। इन 22 एक्सप्रेसवे को 2025 तक पूरा करने की बात कही गई है। इनमें से 3 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को पूरा करने की डेडलाइन साल 2022 रखी गई है। स्क्रैप पॉलिसी के तहत अब हर गाड़ी के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी होगा और अगर वाहन ज्यादा पुराने होंगे तो उन्हें स्क्रैप किया जाएगा। सरकार ने प्रदूषण कंट्रोल के लिए यह कदम उठाया है। पॉलिसी को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को कम करने से ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आएगा। वाहनों की ईंधन खपत कम होगी, उद्योगों के लिए कम कीमत में कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ेगी और केंद्र तथा राज्य सरकारों के GST में वृद्धि होगी। व्हीकल स्क्रैपिंग नीति को लागू होने से देश में 3,70,00,000 से अधिक रोजगार भी सृजित होंगे। भारत में लगभग 60 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सड़क अवसंरचना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि 70% माल और लगभग 90% यात्री आवाजाही के लिए यातायात सड़क नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। सड़कें न केवल आपूर्ति श्रृंखला के दृष्टिकोण से, बल्कि इसका इस्तेमाल करने वाले माल और यात्री यातायात के सबसे बड़े हिस्से के लिए भी इस नेटवर्क का रखरखाव और विस्तार महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए PBNS।